नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में 1 जनवरी 2016 के बाद में रिटायर्ड हुए डिफेंस एम्प्लॉयज़ और फैमिली पेंशनर्स के बारे में हम आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट बताने वाले हैं। और वो अपडेट ये है कि 20 अक्टूबर 2017 को प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट पेंशन इलाहाबाद ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 1 जनवरी 2016 के बाद वाले जो भी डिफेंस एम्प्लॉयज हैं उनकी पेंशन रिवीजन के संबंध में एक इम्पॉर्टेंट ऑर्डर जारी किया। ये ऑर्डर आपके सामने है और इस ऑर्डर में इन्होंने बताया कि जो 1 जनवरी 2016 से पहले वाले जो भी डिफेंस एम्प्लॉयज थे उनका पेंशन रिवीजन का जो काम है वो चल रहा है। और उसके लिए सभी जो डिफेंस पेंशनर्स थे, फैमिली पेंशनर्स थे, उनका जो पेंशन रिवीजन का काम था वो इस बार डिजिटल मोड में किया गया है। यानी किसी भी डिफेंस पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को जो हार्ड कॉपी था या मैन्युअली रिवाइज्ड पेंशन पेमेंट ऑर्डर था वो जारी नहीं किया गया था और सबको थ्रू डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा ही सभी पेंशनर्स का जो रिवाइज्ड पेंशन पेमेंट ऑर्डर है ईपीपीओ वो जारी किया गया था। और इसी बात को कंटिन्यू रखते हुए जो जनवरी 2016 के बाद में जो भी रिटायर्ड डिफेंस पेंशनर्स हैं और या फैमिली पेंशनर्स हैं उनका भी पेंशन रिवीजन करने का जो काम है वो थ्रू ईपीपीओ के द्वारा ही किया जाएगा। यानी इन्होंने बोला कि अब अक्टूबर 2016 के बाद में किसी भी डिफेंस एम्प्लॉई, भारतीय सेना के पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को जो हार्ड कॉपी है पेंशन पेमेंट ऑर्डर का वो जारी नहीं किया जाएगा और सभी का जो पेंशन पेमेंट ऑर्डर है वो थ्रू डिजिटली रिवाइज किया जाएगा और उसी के अनुसार ही उनका जो नया पेंशन बनेगा उसका भुगतान किया जाएगा। तो जैसे कि जो जनवरी 2016 से पहले वाले पेंशनर्स थे उनको अब 12 डिजिट का रिवाइज्ड ईपीपीओ जारी किया गया था और उसमें क्या था कि एक क्यूआर कोड भी था जिससे जो पेंशनर्स है उसकी सारी जानकारी उसमें यानी उसके अंदर थी, तो जिससे पेंशनर्स का सारा डिटेल्स उसमें आसानी से मिल जाता था। तो अभी जो भी भारतीय सेना के जूनियर कमीशन ऑफिसर्स, आईसीओज और अदर रैंक्स वाले जो भी हैं उन सब का अक्टूबर 2017 के बाद में जो भी रिटायर्ड होंगे उन सभी को ईपीपीओ इशू किया जाएगा। और ये जो ईपीपीओ है यानी ई पेंशन पेमेंट ऑर्डर, इसमें बहुत सारे फीचर होंगे जो कि आपके सामने हैं। तो इसमें ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो डिजिटली इसमें सिग्नेचर होंगे और ये जो पीपीओ है वो 16 डिजिट का होगा जिसमें 12 डिजिट पीपीओ की होगी और उसमें 4 डिजिट अलग से होगी जो उनको सफिक्स किया जाएगा। और ये जो ईपीपीओ है उसमें क्यूआर कोड होगा जो कि एक पेंशनर्स के बारे में सारी सूचनाएं उसमें होंगी। और ये जो ईपीपीओ है उसका प्रोसीजर क्या रहेगा कि उसको सीधा बैंकों को भेजा जाएगा एसएफटीपी कनेक्टिविटी के द्वारा जो कि सभी बैंकों में विस्थापित की जा चुकी है। और जिन बैंकों में अभी तक एसएफटीपी कनेक्टिविटी प्रोवाइड नहीं की गई है या इस्टेब्लिश नहीं किए गए हैं उन बैंकों को इन्होंने डायरेक्शन दिया है कि जल्दी से जल्दी ये जो एसएफटीपी कनेक्टिविटी है इसको इस्टेब्लिश किया जाए, कर दिया जाए, जिससे पेंशनर्स का ईपीपीओ है उसको रिसीव करने में या उसको प्रोसेस करने में देरी नहीं हो। और उन बैंकों को तब तक जो ईपीपीओ है उसको थ्रू ईमेल भेजा जाएगा। तो पीसीडीए पेंशन के द्वारा एक लिया गया एक काफ़ी अच्छा स्टेप है जिससे अब जो पेंशन रिवीजन का काम है वो जल्दी कंप्लीट कर दिया जाएगा और सभी पेंशनर्स, डिफेंस पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स, उनका जो नया पेंशन है सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वो एक टाइम बाउंड मैनर में उनको मिल जाएगा और उनको जल्दी से जल्दी उसका भुगतान कर दिया जाएगा। दोस्तों इसमें जो प्रोसीजर रहेगा वो हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग प्रोसीजर रहेगा उसमें कि जो जेसीओज हैं उनका किस हिसाब से, जेसीओज और अदर रैंक्स का है उनका किस हिसाब से रिवाइज किया जाएगा और जो कमीशन ऑफिसर्स हैं उनका किस हिसाब से पेंशन पेमेंट ऑर्डर किया जाएगा, ऑर्डर रिवाइज किया जाएगा उसके बारे में।
तो इसके लिए हम आपको एक दूसरा वीडियो बनाएंगे कि किस हिसाब से जो JCO और कमीशन ऑफिसर्स हैं उनका पेंशन रिवाइज किया जाएगा, और आप भी ये ऑर्डर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अक्टूबर 2017 के बाद में यदि कोई भी डिफेंस एम्प्लॉयज रिटायर्ड होता है तो उसको अब पेंशन पेमेंट ऑर्डर का हार्ड कॉपी नहीं दिया जाएगा, और सारा जो पेंशन पेमेंट और प्रोसेसिंग का काम है वो EPPO के द्वारा ही किया जाएगा। तो डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ने के बारे में और पेंशन पेमेंट ऑर्डर है या नया पेंशन है उसका पेमेंट करने के बारे में PCDA पेंशन इलाहाबाद के द्वारा एक लिया गया एक काफ़ी अच्छा स्टेप है, जिससे जो पेंशनर्स हैं उनको एक फ़ायदा होगा और उनका पेंशन एक टाइम बाउंड मैनर में कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो सूचना आपके लिए यूजफुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए, इससे उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।